हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और लेक्चर लेकर मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रौद्योगिकी की। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक टॉपिक्स को कवर करते हुए ये स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई थी। इसमें ऑलरेडी 12 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं। ये हमारा 13th लेक्चर रहने वाला है। पूरा का पूरा जो यूपीएससी सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। इस प्रेपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटर हूँ। दोस्तों, आप अपनी तैयारी जो है वो देश के टॉप एजुकेटर्स, देश के बेस्ट एजुकेटर्स की गाइडेंस में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर। दी बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ हमारे डिफरेंट कोर्सेज में। दोस्तों, बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर आपको कोर्सेज जो है वो दिए जा रहे हैं। मैसिव डिस्काउंट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे आने वाले बैचेस, जैसे 2024 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने आरंभ बैच जो है वो स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस आरंभ बैच में आपको कंप्लीट प्रेपरेशन जो है वो कराई जाएगी। मेंस और प्री की, यहाँ पे मेंस और प्री की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस होगी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा। सीसेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आपको याद रखना है ये कोड SAR10। ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मैसिव डिस्काउंट्स दिलाएगा। दोस्तों, नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे नहीं करना है। छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये सारा अमाउंट दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर, वो भी मैसिव डिस्काउंट्स के साथ, इफ यू यूज दिस कोड SAR10। ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों, सिलेबस की अगर हम बात करें, हम एक एक करके टॉपिक्स को कवर कर रहे थे। स्पेस टेक्नोलॉजी हमने कवर किया, प्लेनेटरी सिस्टम्स हमने कवर किया, बायो टेक्नोलॉजी हमने कवर किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने कवर किया। अब हम बात कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी की, रक्षा प्रौद्योगिकी की, कैसे देश के अंदर डिफेंस रिलेटेड चीज़ें जो है वो होती हैं। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी दो शब्दों से बना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक्स जो है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी तो उसमें आएगा ही। और यहाँ पर प्रौद्योगिकी किसकी बात हो रही है? देश की सुरक्षा की। सो देश की सुरक्षा के लिए आप सभी जानते हैं विभिन्न सुरक्षा फोर्सेस तो मौजूद ही हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं जिनकी मदद से देश की सुरक्षा में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। इन सभी को हम कवर करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक के अंदर। डिफेंस टेक्नोलॉजी में मुख्य तौर पर वो इक्विपमेंट्स आते हैं जो देश की सुरक्षा, देश के डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जो देश की सुरक्षा के में एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। यहाँ पर आर्टिलरी है, हमारे पास आर्म्ड व्हीकल्स है, सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट्स है, मिसाइल्स है, रेडार टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज़ें देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस इकाई की, जो देश की डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन बाय द नेम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO कहते हैं। भारत की सुरक्षा संबंधित कोई भी उपकरण बनाना होगा, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, ये दायित्व किसका है सर? ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन 1958 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्लेज अ मेजर पार्ट इन कंट्रीज डिफेंस मैकेनिज्म, देश की डिफेंस मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इट इज़ हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। सो DRDO के एक चेयरपर्सन होते हैं। DRDO ने समय समय पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है बनाए हैं। कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स हम विदेश से परचेज करते हैं, फिर उन विदेशी कंपनीज के साथ कलेबोरेट करके DRDO इंडिजीनियसली भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है Pinaka Mark 1। Pinaka Mark 1 सर एक मल्टी बैरल अनगाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। रॉकेट लॉन्च सिस्टम क्या होता है, ये मल्टी बैरल का क्या अर्थ है? आप सभी ने कभी ना कभी न्यूज़ के अंदर या गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में जरूर देखा होगा, एक ट्रक के ऊपर मिसाइल्स जो है वो माउंटेड रहती हैं। सो ऐसा ही दिखता है कुछ ये Pinaka Mark 1। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड मल्टी बैरल अनगाइडेड रॉकेट है। अनगाइडेड रॉकेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमारे पास दो तरीके के रॉकेट्स होते हैं, एक होते हैं गाइडेड, एक होते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड रॉकेट वो है जो एक बार जब जिनको फायर कर दिया गया, उसके बाद उनकी ट्रैजेक्टरी, उनका जो रास्ता है वो बदला नहीं जा सकता। वो जिस तरीके से जा रहे हैं वो वहीं पर जाके हिट करेंगे। सो ये अनगाइडेड रॉकेट्स होते हैं। सो Pinaka Mark 1 जो है वो अनगाइडेड रॉकेट था। आगे चलकर इसको शॉर्ट रेंज प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल में बदला गया। गाइडेड मिसाइल का क्या अर्थ है? मान लीजिए हमने एक टारगेट सेट करके फायर जो है वो कर दिया, लेकिन जब तक हमारा रॉकेट
टारगेट तक पहुंचा, टारगेट अपनी जगह से हिल चुका था। सो हम इस रास्ते के ट्रैजेक्टरी में उसके मोशन के दौरान ही उसकी डायरेक्शन को गाइड कर सकते हैं कि आपको टारगेट को इस जगह नहीं इस जगह हिट करना है। सो ये गाइडेड रॉकेट्स या गाइडेड मिसाइल्स कहलाती हैं। सो पिनाका मार्क वन रॉकेट हमारे पास अनगाइडेड था, हमने गाइडेड पिनाका मार्क टू बनाया। इसके अंदर बहुत ही एक्यूरेसी वाला नेविगेशन सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। 70 से 80 किलोमीटर के रेंज में ये फायर जो है वो कर सकता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है ये पिनाका मार्क वन। इस वजह से इसे मल्टी बैरल रॉकेट कहा जाता है। ट्रक के ऊपर माउंटेड इस तरीके से ये पिनाका मार्क टू जो है वो लगा हुआ है। पिनाका मार्क टू कुछ समय पहले न्यूज़ के अंदर था। पिनाका मार्क टू एक समय पे एक बड़े एरिया को जो है वो कवर कर सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब देश की आर्टिलरी की बात आती है। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिलरी गन हमारे पास है जिसका नाम है धनुष। दोस्तों इस धनुष आर्टिलरी गन का जो इतिहास रहा है वो शुरू होता है बोफोर्स गन से। बोफोर्स गन के बारे में आपने सुना होगा, कारगिल वॉर में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी बोफोर्स गन ने। बोफोर्स गन को जो है वो काफ़ी उसके बाद विवाद में भी रही थी अन्य कारणों से, लेकिन उसके बारे में दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। बोफोर्स गन हमने स्वीडन से परचेज करी थी। स्वीडन से परचेज की हुई बोफोर्स गन को हमने इंडिजीनियसली उसका एक एडवांस वर्जन जो है वो डेवलप किया था जिसका नाम धनुष आर्टिलरी गन था। 155 मिलीमीटर का गोला जो है वो इससे दागा जा सकता है और 36 किलोमीटर की रेंज में ये मार जो है वो करता है। इसको मार्च 2020 के आसपास डिलीवर होना था लेकिन कोविड के कारण इसका डिलीवरी जो है सेना को वो डिले हो गई थी। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है सर ये धनुष आर्टिलरी गन। ये क्या है, ये एक एडवांस्ड वर्जन है जो इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। किसको देखते हुए, स्वीडन की बोफोर्स गन्स को देखते हुए। देन नेक्स्ट जो आर्टिलरी गन हमारे पास है, ये दरअसल एक टैंक है, वी कॉल इट K9 वज्र टी गन। ये आर्टिलरी गन है जो कि साउथ कोरिया में बनती है। इसका 155 मिलीमीटर का एमिनेशन है और 40 किलोमीटर के दायरे में ये मार्क कर सकती है। दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत L&T जो लॉर्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी है, इन्होंने 4,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भारतीय रक्षा मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है वो लिया था, जिसके अंतर्गत ये 100 यूनिट्स ऑफ K9 वज्र टी गन जो है वो इंडियन आर्मी को सप्लाई करेंगे। इसके लिए L&T ने सूरत के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जहां पर ये K9 वज्र टी गन जो है वो बनेगा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे L&T का लोगो है। सो L&T द्वारा इसको इंडिजीनियसली बनाया गया है। ये एक्चुअल में साउथ कोरिया के अंदर बनता था लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत सरकार के अनुरोध पर L&T कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ये K9 वज्र टी गन है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारे पास जिसका नाम है एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। टोड क्या होता है, किसी व्हीकल के पीछे बांध कर टो करके उसको खींचना। तो ये DRDO द्वारा बनाई जाने वाली एक गन सिस्टम है जो कि ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव है। ये विद्युत प्रणाली पर चलेगी, इसके अंदर हाई मोबिलिटी है, बहुत तेजी से ये मूव कर सकता है, बहुत इजीली डिप्लॉय क्विकली डिप्लॉय हो जाता है और इसके अंदर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। ये एक प्रकार का गन सिस्टम है जिसको किसी भी मशीन या किसी भी व्हीकल के पीछे बांधकर खींचा जा सकता है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर किसी ट्रक या किसी व्हीकल के साथ में टो किया जाता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है सर, एक तो ये पूर्ण रूप से विद्युत प्रणाली से चलता है, बहुत फास्ट ये मूव करता है और बहुत ही क्विकली ये डिप्लॉय हो जाता है क्योंकि इससे वार करने के लिए इसको पहले डिप्लॉय करना पड़ता है। इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड, इसके एक्सटेंशन जो हैं वो ज़मीन पे लगती हैं, जिस वजह से ये स्टेबल पोजीशन पर आता है जब जिसके बाद ये वार कर सकता है। सो बहुत ही जल्दी ये डिप्लॉय होता है, बहुत ईजिली मूव कर सकता है, इसके अंदर एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। सो आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिलरी गन्स जो हैं वो भारत के पास है जो पिछले कुछ समय में या तो इंडक्ट हुई हैं या इंडक्ट होने वाली हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिली थी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम अब भारत के और इक्विपमेंट जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी क्या होती है, सबमरीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इस विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ विस्तारपूर्वक के टॉपिक समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कंप्लीट UPSC प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको जुड़ना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज से यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट दिलाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।